वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन टू माइनिंग का था, जो अंडरग्राउंड माइनिंग का इंट्रोडक्शन था। यहां पर हम लोग प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सेस डेवलपमेंट भी डिस्कस किया था, यानी कि अगर हम नीचे पहुंचते हैं तो क्या जरिए है, और हमने जाना कि शाफ्ट, इंक्लाइन, डिक्लाइन और एडिट, इन तरीकों से आप ओर बॉडी तक पहुंचते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ ओर बॉडी हम उस प्रकार का तरीका अख्तियार करते हैं। मैं इसमें भी उन सारे सोर्सेस का आभार व्यक्त करता हूं जहां से मैंने इसको हासिल किया है, नेट पर से। तो यहां पर हम लोग प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट ये एक्सेस डेवलपमेंट के बाद की स्टेज है, यानी आपने शाफ्ट या इंक्लाइन जो भी बनाना है बना लिए है, उसके बाद में हाउ टू गो अबाउट द थिंग्स, कैसे हम उस डिपॉजिट को माइन आउट करने के लिए कुछ और विशिष्ट डेवलपमेंट करेंगे, वो पॉइंट यहाँ पर हमको यहाँ इस लेक्चर में पर्टिकुलरली डिस्कस करना है। देखिए, ये जो ओवर बॉडी होती है वो कुछ ऐसी होती है, आइडियली देखा जाए तो हम इसको टेबुलर दिखा रहे हैं यहाँ पर, ऐसी टेबुलर होती नहीं है। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, इसके विड्थ या थिकनेस नजर आ रही है, ये इसकी स्ट्राइक डायरेक्शन है, तो इसमें ये लेंथ है इसकी, मैंने आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पर दिखाया है। ये इसका डिप है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बना रही है वो है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और ये डेप्थ एक्सटेंशन है, या समझ लीजिए डिप लेंथ है, डिप लेंथ, डीआईपी डिप लेंथ, यानी हाउ लॉन्ग इट इज टुवर्ड्स द डिप डायरेक्शन, एंड दिस इज अ स्ट्राइक लेंथ। ये भी कई किलोमीटर हो सकती है, ये भी कई मीटर हो सकती है, और ये जो थिकनेस होती है ये अक्सर 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 25 मीटर, ऐसी कुछ भी रह सकती है। तो ये कुछ डिस्पोजिशन होता है, यानी मान लीजिए कि जैसे मैं ये दिखा रहा हूं कि दिस इज द ओवर बॉडी, एंड ये जो है ये इसका कुछ ऐसा इंक्लिनेशन है, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये इसका इंक्लिनेशन हो गया, और ये जो है ये पोर्शन, दिस इज द विड्थ। और जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो इसी चीज को देखते हैं, इधर से ही देखते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो ऐसा एक तरफ से इसको यहां से देखते हैं, और अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं तो इस तरफ से देख रहे हैं। ये दो ही प्रकार के नक्शे दरअसल हमको दिखाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां देखिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल या नियरली फ्लैट ओवर बॉडी है। जनरली ऐसी ओवर बॉडी आपको मेटल माइन में बहुत कम मिलती है, जनरली ये आपको कोल माइंस के अंदर नजर आती है। मेटल माइन में जनरली ये जो है ये आपको, जो मैंने बताया कि ये इसकी विड्थ दिखा रहा है और ये डिप दिखा रहा है, दिस इज द डिप एंगल, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है ये एंगल, ये डिप एंगल है। तो दिखाने का तरीका यही होता है कि हम उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाएं। अब ये जो ओवर बॉडी होती है ये कई बार तो ऐसी शार्प कॉन्टेक्ट होते हैं, मेटा सेडिमेंटरी जितनी भी डिपॉजिट्स होते हैं उसके शार्प कॉन्टेक्ट होते हैं, कई बार आयरन ओर के या मैंगनीज के ऐसे हो सकते हैं कि भाई ये मैंगनीज ओर है और इधर सडनली सी स्ट्रॉक आ गई हैंगवॉल और फुटवॉल में, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अक्सर जितने भी हाइड्रोथर्मल टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं उसमें ग्रेडेशनल कॉन्टैक्ट होता है, मतलब ये कोर में कुछ परसेंटेज ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम किनारे जाएंगे परसेंटेज कम होते जाता है, और फिर हम कट ऑफ ग्रेड के आधार के ऊपर इस प्रकार से इसकी ओवर बाउंड्री बनाते हैं। अगेन दिस इज ए ट्रांसवर्स सेक्शन और ये इसकी सिर्फ विड्थ दिखाई जा रही है, डेप्थ एक्सटेंशन दिखाया जा रहा है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दी स्ट्राइक लेंथ, स्ट्राइक लेंथ जो कि इस दिशा में होगी वो हमें इसमें नजर नहीं आती है। ये जो वैल्यूज है स्टार से दिखाई जा रही है, ये सारी वैल्यूज दे आर अबो द कट ऑफ ग्रेड, और ये जो ब्लू डॉट दिखाई जा रहा है ये वैल्यूज दीज आर लोअर देन द कट ऑफ ग्रेड, सो दिस इज ऑल गोइंग इनसाइड द वॉल, इसको भी वॉल में ही हम शुमार कर देंगे कि ये हमारा वेस्ट है और ये हमारी ओवर बॉडी यहां तक नहीं आ रही, सिर्फ इतने ही पोर्शन में ओवर बॉडी है। तो दिस इज हाउ द ओवर बॉडी बाउंड्री इज ड्रॉन। सबसे पहला प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट
के माने है कि स्टोप ब्लॉक को फॉर्मेशन करना। होता यह है कि हम माइनिंग जब करेंगे तो कुछ स्टोप के ब्लॉक्स बनाएंगे, ओर बॉडी के कुछ ब्लॉक्स बनाएंगे और उन ब्लॉक्स को हम माइन आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमको ओर बॉडी को डेलिनेट करना है। डेलिनेट करने के बाद में, पूरा एक्सप्लोरेशन होने के बाद में हम शाफ्ट वगैरह लगाते हैं। तो डेलिनेशन ऑफ ओर बॉडी कुछ इस ढंग से होती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ओपन कास्ट माइन है या यहाँ पर ये ओर बॉडी एक्सपोज हो गई है किसी जगह पर, उसी के सामने स्ट्राइक में गए तो यहाँ पर भी वो एक्सपोज है, उसी के सामने स्ट्राइक में गए तो यहाँ पर भी एक्सपोज है। ये एक सेक्शन हमने देखा है जो अक्रॉस द स्ट्राइक लिया हुआ है। इसमें हमको इसकी विड्थ दिख रही है, डेप्थ एक्सटेंशन दिख रहा है। अब ये जो होल्स है सरफेस से, ये होल इंक्लाइन मारे गए हैं हैंग वॉल में, तो हमको यहाँ पर इसकी विड्थ मिल जाती है कोर के माध्यम से। इस होल में भी हमको कोर मिलेगा एंड वी विल गेट द विड्थ। इस होल में भी हमको कोर मिलेगा और ये भी, इन्हीं के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि भाई ओर बॉडी यहाँ इतनी चौड़ी है, यहाँ पर इतनी है, तो यहाँ बीच में भी ओर बॉडी होगी, यहाँ पर भी हमको मिल रही है तो यहाँ पर भी होगी। एंड दिस इज हाउ वी इंटरप्रीट द ओर बॉडी, कि ये हमारी ओर बॉडी कुछ इस शेप की ऐसी होगी। उससे थोड़ा आगे हमने फिर से स्ट्राइक पे ही एक फिर सेक्शन ले लिया, वर्टिकल सेक्शन जो कि अक्रॉस द स्ट्राइक है, तो यहाँ पर हमको ऐसी मिली। यानी फर्ज करो कि यहाँ ये एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा दिए, कि यहाँ पर हमने जब उसका सेक्शन लिया तो कुछ हमको ये ऐसे इंटरसेक्शंस नीचे दिख रहे हैं, मतलब सरफेस के नीचे ये एक इंटरसेक्शन दिखा हमको, जैसे ये दिख रहा है, ये दूसरा इंटरसेक्शन दिखा, यहाँ पर भी ऐसे इंटरसेक्शन दिखे, यहाँ पर कुछ पतले इंटरसेक्शन दिखे, तो हमने तय किया कि यहाँ पतली ओर बॉडी होगी। इस प्रकार से इसको देखा जाता है। जिस ओर बॉडी का हमने अभी ट्रांसवर्स सेक्शन देखा, यानी कि ऐसे ही ऐसी तस्वीर देखी, उसी का सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। यानी आप देखिए कि ये डिफरेंट लेवल्स बनाई है यहाँ पर, ये शाफ्ट है और इस प्रकार से ये पूरा ले होता है, ये डिफरेंट लेवल्स हैं, इनके यहाँ पर स्टोप्स बनेंगे और ये वेंटिलेशन शाफ्ट रहेगा कोई, तो इस प्रकार से इसका और ओर बॉडी जो है ये यहाँ तक इंटरप्रीट की गई है। अब ये जो डिमार्केशन ऑफ ओर बॉडी है सिर्फ सरफेस पर से नहीं होता, अंडरग्राउंड में भी कई डेफिनेशन, ड्रिलिंग जिसको कहते हैं, अंडरग्राउंड के किसी ड्राइव से, किसी क्रॉसकट से ऐसे फैन टाइप के होल लगाए जाते हैं और ओर बॉडी को प्रूव किया जाता है कि ओर बॉडी कहाँ तक है। हर शाफ्ट के नीचे एक पिट बॉटम लेआउट होता है, हर लेवल पे होता है रादर, जहां जहां वो शाफ्ट टच कर रहा है जिस जिस लेवल में, तो वहां पर एक नेटवर्क ऑफ रोड्स होता है और उसका, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि दो लेवल्स है, एक 480 है और एक 500 MRL है, और यहाँ पर ये देखिए ये जो एक ऊपर की लेवल है वहां का कुछ अलग लेआउट है, नीचे का कुछ अलग लेआउट है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। क्योंकि हमें जो एम्प्टीज होती है, जो खाली गाड़ियां है, वो भी यहाँ तैयार रखनी है नीचे भेजने के लिए या इनसाइड में भेजने के लिए, स्टोप की तरफ, सेक्शंस की तरफ, और जो लोडेड गाड़ियां आती है उसको भी ऊपर भेजना है। तो ये लोडेड गाड़ियां पार्क करने के लिए, उनको रखने के लिए हमको कुछ व्यवस्था करनी होती है ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एम्प्टीज टू दी इन बाय वर्किंग्स और अनइंटरप्टेड सप्लाई टू द शाफ्ट फॉर हॉलिंग अप, ये कायम किया जा सके। तो एक्सटेंसिव पिट लेआउट हमको स्किप वाइंडिंग के अंदर ऐसी जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्किप में कुछ ओर पास के अंदर मटेरियल रहता है स्टोर और वो फिर नीचे बेल्ट कन्वेयर या दूसरे माध्यम से किसी व्यवस्था में जाता है शूट में, एंड दैट शूट इज एम्प्टीड इनसाइड द स्किप, और स्किप से फिर ऊपर हॉलिंग होती है, वो हम देखेंगे धीरे धीरे एक एक चीज। ये देखिए जो डिपॉजिट हमको प्रूव हो गया कि भाई डिपॉजिट ऐसा है, इस प्रकार है, या तो झुका हुआ है या सीधा वर्टिकल है, और ये इसकी स्ट्राइक मान लीजिए नॉर्थ साउथ चल रही है, और जैसे फॉर एग्जांपल इसकी स्ट्राइक नॉर्थ साउथ है,
ये डायरेक्शन जो है ये साउथ है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है राइट साइड में, और इसका जो है डिप जो है ये हमको ये वेस्ट के तरफ दिख रहा है, और ये हमारी लीज बाउंड्री है, सो वी आर कंसर्न ओनली अप टू द लीज बाउंड्री। हालांकि जो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट या इग्नियस टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं या जो सेडिमेंट्री नहीं है, उनमें ये डिप स्ट्राइक और ये हैंग वॉल फुट वॉल के कंसेप्ट उतने प्रोमिनेंट नहीं मान सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरफ झुकाव होता है मैक्सिमम उसको उसका फुटवॉल माना जाता है कि भाई उसके नीचे की रॉक को हम फुटवॉल मानेंगे। तो दिस डिप इज अराउंड 80 डिग्री यू कैन से। तो ये शाफ्ट यहाँ पे लगाया, ये सारे मेन क्रॉस कट्स है जो अप टू दी ओवर बॉडी उन्होंने लेके गए। ये ऊपर एक क्राउन पिलर छोड़ दिया गया है। अब यहां देखिए कि इसी को मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में यानी सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा ओवर बॉडी, वो दिखाया गया है। तो जो डिपॉजिट है उसको हम सिस्टमैटिकली कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे क्यूबॉइड शेप के अंदर उनको डिवाइड करते हैं। और ये जो है इनको ऊपर की टॉप लेवल, नीचे की लेवल, जैसे दो लेवल, कई लेवल्स होती है इसके अंदर, तो ऊपर की लेवल और नीचे की लेवल के बीच में कुछ ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं, और दीज ब्लॉक्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द स्ट्राइक डायरेक्शन। मान लीजिए 60-60 मीटर की स्ट्राइक लेंथ के बॉक्सेस ब्लॉक्स है, तो 60-60 मीटर के ब्लॉक्स बनाते हैं, और ये ब्लॉक्स एक दूसरे से रिप पिलर से अलग होते हैं। सो ये एक रिप पिलर, ये जो रिप पिलर है इसको हम छोड़ने वाले हैं, मतलब यहाँ पर हम स्टोपिंग जब करेंगे तो सिर्फ इतने पोर्शन में, जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें करेंगे, और ये रिप पे आके रुक जाएंगे, इस रिप को हम माइन आउट नहीं करेंगे, ताकि हैंगवाल और फुटवॉल के बीच में एक बहुत बड़ा मैदान न बन जाए, बहुत बड़ा हॉलो नहीं बन जाए, बहुत बड़ी मतलब हॉलो स्पेस नहीं आ जाए, और हैंगवाल फुटवॉल कॉन्वर्ज नहीं हो जाए। तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ वर्किंग हमको इस प्रकार के हैंगवाल और फुटवॉल के बीच में पिलर्स को छोड़ना जरूरी है, दे आर कॉल्ड एज रिप पिलर्स। ये वर्टिकल पिलर है एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल के बीच में। तो ये दो तरफ तो दो पिलर हो गए, और ऊपर समझ लीजिए ये दो, नीचे एक लेवल और ऊपर एक लेवल, इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको ओपनिंग के माध्यम से अगर डिवाइड करने की बात कहें तो ऊपर की लेवल, नीचे की लेवल और दोनों तरफ की विंजेस या रेजेस, और अगर हम पिलर के माध्यम से इसको डिवाइड करने की बात करें तो ये जो ब्लॉक बनेंगे वो कई बार ये होता है कि दो तरफ के तो दो पिलर्स हो गए, और कई बार जो है हम सिल पिलर छोड़ते हैं, और हर स्टोप के ऊपर नेसेसरीली वी लीव द क्राउन पिलर। तो अगर पिलर से एक ब्लॉक को डिसाइड करने की बात हो तो इसके चारों तरफ पिलर होता है, नीचे सिल पिलर, ऊपर क्राउन पिलर, और दोनों तरफ रिप पिलर्स। ओपनिंग से अगर इसको डिवाइड करने की बात जब हम सोचेंगे तो ऊपर की लेवल, नीचे की लेवल और दोनों तरफ की जो रेजेस की ओपनिंग या विंजेस की ओपनिंग, इस प्रकार से हम उसको तय कर सकते हैं। तो ये जो डिपॉजिट है बिटवीन द टू लेवल्स, इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टोप ब्लॉक्स, इनको स्टोप ब्लॉक्स कहते हैं, और ये लैटरली डिवाइडेड है, एक के एक ब्लॉक, फिर दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे स्ट्राइक डायरेक्शन में, और एट ए टाइम हम कुछ ब्लॉक्स वर्क करते हैं, ताकि वो सारे ब्लॉक्स में एक साथ वर्क नहीं करते। ऊपर के सबसे पहले हमने नजदीक के ब्लॉक ले लिए, मान लीजिए ये दो, इधर चार ब्लॉक में वर्किंग चले तो नीचे सिर्फ दो ब्लॉक में वर्किंग चलेगी, इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसा ट्रफ शेप या वी शेप में हम इसको डेवलपमेंट करते जाते, ताकि एट ए टाइम बहुत सारी जगह एक्सपोज नहीं हो जाए, और वर्किंग हमारी सेफ रहे, कंसंट्रेटेड रहे और स्टेबल रहे। तो ये इस प्रकार से हमारा मकसद है इनको डिवाइड करना, इस डिपॉजिट को इन नंबर ऑफ स्टोप ब्लॉक्स डिवाइड करना, और जब इन स्टोप ब्लॉक्स में हम वर्किंग करेंगे तो उसी को स्टोप कहा जाता है। तो ये इसका तो एक सामने से अगर हम देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे हमको, और अब यहाँ पर इसमें जैसे हमको ब्लॉक्स नहीं नजर आ रहे क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन, लेकिन ओवर बॉडी की थिकनेस नजर आ रही है, और ये हमको क्रॉस कट्स नजर आ रहे जो हमने शाफ्ट से यहाँ के लिए लिए। ये देखिए ये ब्लॉक्स जैसे मैंने बताया आपको, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो ये दीज ब्लॉक्स आर क्यूबाइडल इन शेप, ये क्यूबिक शेप है या क्यूबाइडल शेप है, मान लीजिए इसकी थिकनेस कम है, लेंथ ज्यादा है जो कि अलॉन्ग द स्ट्राइक है,
और जो इसकी डिप लेंथ है इस प्रकार से बिटवीन द टू लेवल्स वो ये है। तो ये जो है ब्लॉक्स, ये आफ्टरवर्ड्स वर्किंग करेंगे स्टोकिंग स्टेज में, और इनकी जो थिकनेस है इन ब्लॉक्स की, दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन हैंग वॉल एंड फुटवॉल। दो हैंग वॉल के बीच की जो डिस्टेंस है वही उन ब्लॉक्स की थिकनेस है, और दो लेवल के बीच में है ये, इसको हम समझ सकते हैं जैसे ऊपर की लेवल नीचे की लेवल। अब ये मान लीजिए ये ऊपर की लेवल ए है, तो 1A, 2A, 3A, 4A ऐसे ब्लॉक्स को हम नाम देते जाएंगे इस प्रकार से, और ये लेवल बी है 1B, 2B, 3B, इस प्रकार से इन स्टोप्स को नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू दिख रहे हैं, यही रिप पिलर है। अब इस मेथड ऑफ वर्किंग में हमने क्या किया है कि ये जो रेजेस लगाई है ये पिलर के अंदर लगाई, जरूरी नहीं कि हमेशा पिलर के अंदर रेज लगेगी, पिलर के बगल से लग सकती है, स्टोप के बीच से रेज लग सकती है, वो हर मेथड की अपनी अपनी डेवलपमेंट की स्टाइल है। लेकिन ये ऊपर की लेवल है, ये नीचे की लेवल है, इसको ध्यान में रखना है, एंड दीज आर द ब्लॉक्स। तो ये जस्ट बताने के लिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिल पिलर दिखाया है, हमेशा सिल पिलर रखेंगे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन क्राउन पिलर हमेशा रहता है। तो अगर हम सॉलिड बाउंड्री की बात करें हर एक ब्लॉक के लिए, तो इट इज बाउंडेड, जैसे ऊपर एक क्राउन पिलर हो गया और नीचे का क्राउन पिलर, तो वो इस जगह पे जो एक्सकावेशन होने जा रहा है उनको सपोर्ट दे रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पिलर्स जो है। उसी प्रकार ये रिप पिलर्स भी सपोर्ट देने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से होता है। अदरवाइज कई मेथड ऑफ वर्किंग में जो पुरानी प्रिमिटिव किस्म की वर्किंग थी उसमें ये सिल पिलर भी हुआ करता था, ताकि हम सिर्फ इतना जो सफेद पोर्शन दिखाया है इसी को माइन आउट कर सकें। ये इसकी स्लोप है या डिप, साइड में इसकी लेंथ है, ये दिस इज अ डिप डायरेक्शन। तो इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे आपके लिए बना के दिया है। तो प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट जो है वो अप्रोच डेवलपमेंट के बाद में आता है। इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ मेकिंग नेटवर्क ऑफ लैटरल ड्राइवेजेस, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्राइव्स बनाना, रोडवेज बनाना, ओपनिंग्स बनाना, और एट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, हर एक लेवल जो आपने जो लेवल डिसाइड की है उस लेवल के ऊपर ये सारी ओपनिंग्स बनाते हैं। उसी प्रकार वर्टिकल ओपनिंग्स भी बनाते हैं, जिसका मकसद होता है वेंटिलेशन के लिए खास तौर पर, या स्टोव के अंदर दाखिल होने के लिए। तो ये इनके मकसद होते हैं। और ये जो प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट किया जाता है, ये ओर ब्लॉक्स में ओर बॉडी को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। और दूसरा होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ मैन, मटेरियल, मशीनरी, ओर, वेंटिलेटिंग एयर, यानी इन चीजों के मूवमेंट के लिए, लोगों के मूवमेंट के लिए और हवा के मूवमेंट के लिए इनका इस्तेमाल होता है, ये जो हम प्रिलिमिनरी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और दूसरा मकसद है उस ओर बॉडी को डिफरेंट स्टो ब्लॉक्स में डिवाइड करना, फिर मेथड ऑफ वर्किंग के आधार पर उन स्टो ब्लॉक्स के अंदर हम वर्किंग करते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये करीब करीब हर खदान में सामान्य तौर पर वही होता है। ये जो विंजेस मैंने आपको बताया, रेजेस या विंजेस, जो स्टोव के या तो स्टोव के सेंटर में हो सकती है, जैसे कि मैंगनीज वगैरह की खदान में होती है, कट एंड फिल वाली मेथड्स में होती है, या ये किसी पिलर के अंदर, जो रिप पिलर है उसके अंदर होती है, जैसे कि श्रिंकेज मेथड में अक्सर होती है, या फिर ये जो रिप पिलर है उसको लग के या उसके एडजेसेंट पोर्शन में होती है, जैसे कि मॉडर्न मेथड्स में होती है, सब लेवल स्टोपिंग में या लार्ज डाया ब्लास्ट होल स्टोपिंग है, ऐसी बहुत सी मेथड्स में यह ऐसा होता है। अब लेवल क्या होता है? लेवल है एक नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल ओपनिंग्स या रोड्स जो भी बनाई जा रही है एट ए पर्टिकुलर हॉरिजॉन या एट ए पर्टिकुलर लेवल, एट ए पर्टिकुलर फ्लोर। जैसे हम किसी बिल्डिंग में चढ़ते हैं तो चौथा मंजिला, पांचवा मंजिला, तीसरा मंजिला ऐसा बोलते हैं, तीसरी फ्लोर, थर्ड फ्लोर। वैसे ही जब हम नीचे जा रहे हैं खदान के अंदर, तो वो भी एक डिफरेंट हॉरिजॉन के ऊपर या डिफरेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जितनी भी वर्किंग्स होती है, दे ऑल कंस्टिट्यूट द लेवल। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? वंस यू हैव डेलिनिएटेड द ओर बॉडी एंड यू हैव मेड अ शाफ्ट और एडिट और इंक्लाइन, व्हाट एवर इट मे बी, वो हम जैसे बताया कि मान लीजिए सेंटर ऑफ ओर बॉडी में रखते हैं, बहुत बड़ी ओर बॉडी है तो हमको हो सकता है दो तीन शाफ्ट भी रखने पड़ सके। लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होता है कि सबसे पहले आपने
मान लीजिए कि फुटवॉल में एक शाफ्ट बनाया है, क्योंकि डेप्थ में जब वर्किंग करनी है तो दूसरे कोई तरीके काम में नहीं आते, शाफ्ट ही करना पड़ता है। तो जो वर्टिकल शाफ्ट आपने यहाँ लगाया है, तो सबसे पहला काम होता है मेन क्रॉस कट लगाना। मेन क्रॉस कट्स ये जो है इस शाफ्ट से, जैसे शाफ्ट मान लीजिए आपने फुटवॉल में लगाई है, ये ओर बॉडी है, तो यहां से ये एक जो रास्ता बना रहे हो अप टू दी ओर बॉडी, दिस इज कॉल्ड मेन क्रॉस कट। तो ये मेन क्रॉस कट हो गया, ये एक मेन क्रॉस कट हो गया, ये एक मेन क्रॉस कट हो गया। ये डिफरेंट लेवल्स पर आप बना रहे हो। मान लीजिए पहली लेवल है, दूसरी लेवल है। अब ये पहली लेवल के ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो ओपन कास्ट वर्किंग हुई थी, तो हम एक कुछ पार्टिंग छोड़ देते हैं यहाँ पर, जिसे क्राउन पिलर कह सकते हो, जिसे आप सॉलिड बैरियर पिलर कह सकते हो। बट ये जो ओर है यहाँ पे, जो मैंने नीले ढंग से दिखाया है, इसको माइन आउट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर माइनिंग होगी बीच में, यहाँ पर जो भी स्टोकिंग होगी वो यहाँ होने वाली है, तो वो यहाँ से सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे हम स्टोप के अंदर, और अपनी माइनिंग करते जाएंगे, और जो भी मटेरियल आएगा वो सेकेंड लेवल से बाहर निकलेगा। उसी प्रकार थर्ड और सेकेंड लेवल के बीच में जब माइनिंग होगी, तो मटेरियल थर्ड लेवल से बाहर निकलेगा और प्रोग्रेस ऑफ द स्टोप होगा थर्ड लेवल से लेकर के सेकेंड लेवल की तरफ, यानी कि ओवरहैंड स्टोपिंग होगा। अब ये मेन क्रॉस कट कहाँ तक लेंगे? अमूमन इसको ओर बॉडी को क्रॉस करने देते हैं, ताकि हमको फुटवॉल, जो हम तो फुटवॉल में लगे, हैंग वॉल भी हमारी प्रूव हो जाए कि भाई कितनी चौड़ाई है यहाँ पे। अक्सर ऐसा करते हैं। कई बार ये भी करते हैं कि आपने उसको पीछे ही रोक दिया, खाली एक एक कुछ डिस्टेंस पे रोक दिया एकदम ओर बॉडी के पास में, और उस जहाँ पे रोकते हैं आप वहाँ पर कोई एक्सट्रैक्शन ड्राइव बना लेते हैं। कई बार वो एक और ड्राइव यहाँ पे लगा दिया जाता है, जिसे बोलते हैं हॉलेज ड्राइव। देखिए, डेवलपमेंट तो हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम डेवलपमेंट करना पड़े, जितना कम डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट बड़ा खर्चीला मामला होता है। डेवलपमेंट यानी रास्ते बनाना, और ये सब रास्ते ही बन रहे हैं, ये सब रास्ते ही बन रहे हैं। तो ये जो है, समटाइम्स इट क्रॉसेस द ओवर बॉडी टू कंफर्म द अपोजिट वॉल, और मेनी टाइम इट इज ब्रॉट अप टू द ओवर बॉडी तक ला करके छोड़ देते हैं। अब इस मेन क्रॉस कट से एक हॉलेज ड्राइव बनाना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए, ये हॉलेज ड्राइव बनाया है। अब यहाँ तीन तीन ड्राइव है। ड्राइव क्या होता है? वो ओपनिंग जो पैरेलल टू द ओवर बॉडी है, यानी पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द ओवर बॉडी। अब ये देखिए, ये जो ओपनिंग है ये पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ ओवर बॉडी, ये भी पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ ओवर बॉडी, और ये भी पैरेलल टू द ओवर बॉडी है या स्ट्राइक ऑफ ओवर बॉडी। ये जो एक ड्राइव दिख रहा है, ये ओवर ड्राइव है, बिकॉज इट इज इन साइड द ओवर। यहाँ पर भी ये ओवर ड्राइव, यहाँ पर भी ये ओवर ड्राइव है। यहाँ पर एक ओवर ड्राइव तो है, यहाँ एक उन्होंने एक्सट्रैक्शन ड्राइव दे दिया। ये क्या होते हैं हम देखेंगे, या अलग अलग मेथड में अलग अलग ढंग से ये होते हैं। और यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ड्राइव तो है ही, साथ में हॉलेज ड्राइव भी दे दिया है। अब ये बहुत महंगा डेवलपमेंट है यहाँ पर, लेकिन मॉडर्न मेथड्स में इसको एक स्पीडी ट्रांसफर ऑफ ओर या स्पीडी ट्रांसपोर्ट ऑफ ओर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा भी किया जाता है। तो ये मेन क्रॉस कट से आपने ये हॉले ड्राइव लगा लिया। मान लीजिए ये हॉले ड्राइव कुछ नहीं है, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओवर बॉडी, एंड इट इज पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द ओवर बॉडी इन कॉम्पिटेंट वॉल, जो भी वॉल हमने तय की है, फुट वॉल या हैंग वॉल जो भी रहेगी। यहां देखिए, ये एक शाफ्ट है, दीज आर दी मेन क्रॉस कट्स। क्रॉस कट उसको बोलते हैं विच इज मेड अक्रॉस द ओवर बॉडी, मीन्स विच इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक ऑफ द ओवर बॉडी, और ड्राइव उसको बोलते हैं विच इज पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द ओवर बॉडी। तो क्रॉस कट इसे मेन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द शाफ्ट, जो कि शाफ्ट से शुरू हो रहा है। यूं तो बहुत सारे क्रॉस कट्स बनते हैं यहाँ पर, वर्किंग में भी बन सकते हैं, क्योंकि सारे डेवलपमेंट जो कि अक्रॉस द ओवर बॉडी स्ट्राइक है, दैट इज क्रॉस कट। लेकिन ये पर्टिकुलरली ये शाफ्ट को लीड कर रहा है, शाफ्ट तक आ रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज मेन क्रॉस कट। और ये सारी लेवल्स जो है, ये भी ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये सारी मेन लेवल्स है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द शाफ्ट। अब ये जो हॉलेज ड्राइव बनाया है, वहां से अगेन फिर आप
क्रॉस कट्स लगाते हो अप टू दी ओवर बॉडी या अप टू दी हैंगिंग वॉल, वो कहाँ लगाते हैं? स्टोप के जो इंटरवल है, जितना भी स्टोप लंबा ले रहे हो आप, उसके दोनों किनारे में, और फिर उसके अंदर या रिब पिलर के अंदर लगा सकते हो, यहाँ तक जैसे जैसे मेथड होगी हम मेथड से अंदर देखेंगे उसको, लेकिन क्रॉस कट लगाना जरूरी है क्योंकि वो अपोजिट वॉल को भी प्रूव करेगा, ओवर बॉडी का ग्रेड भी पता पड़ेगा हमको। तो इस प्रकार से आपने जो क्रॉस कट्स लगा लिया तो आपने एक प्रकार से ओवर बॉडी को चारों तरफ से कन्फाइन कर दिया, एक तरफ तो वो आपने रिप पिलर बना लिए और एक ऊपर की लेवल है, नीचे की लेवल है, दूसरे तरफ एक रिप पिलर है। तो दिस इज हाउ ओवर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू दी क्यूबिकल ब्लॉक्स। कई बार ये जो क्रॉस कट्स है उनमें से या ओवर ड्राइव में से बल्क सैंपल्स इकट्ठा किए जाते हैं ताकि आपको सही ग्रेड का अंदाजा लग सके इसके। स्टोप ब्लॉक जो है उनकी हाइट क्या होगी, दो लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक स्टोप ब्लॉक की हाइट हो गई। उसकी जो लेंथ है वो जितनी लेंथ आपने रखी है अलोंग द स्ट्राइक उतनी रहेगी, और उसकी जो विड्थ है या उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस ऑफ द ओवर बॉडी रहेगी। तो ये जो लेवल इंटरवल है ये डिसाइड करना एक बहुत बड़ा इशू होता है, और ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को कंसीडर करके ही किया जाता है। मेथड ऑफ स्टोपिंग पे डिपेंड करता है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोपिंग मेथड इज देयर। जितनी मैकेनाइज्ड मेथड होगी जाहिर है आपको ज़्यादा ऊंचे स्टोप्स आप ले सकेंगे, मतलब लेवल इंटरवल बढ़ा सकेंगे। जितना लेवल इंटरवल बढ़ेगा उतना डेवलपमेंट के ऊपर लोड कम आएगा। मिनिमम वर्किंग हाइट क्या चाहिए वो देखनी होती है, ओवर बॉडी का क्या डिस्पोजिशन है, उसकी क्या ज्योमेट्री है उसे स्टडी करना होता है। मैकेनाइजेशन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, हाउ फार इट इज एमिनेबल टू मैकेनाइजेशन, क्योंकि जितनी कमजोर ओवर बॉडी होती है उतनी उसमें मैकेनाइजेशन की गुंजाइश कम होती है। हार्ड रॉक माइनिंग में मैकेनाइजेशन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। प्रोडक्शन हमको कितना जरूरी है, क्या बहुत, जैसे मान लीजिए बहुत कीमती ओवर बॉडी गोल्ड वगैरह की है तो हमको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं होता है, अच्छी ग्रेड का माल निकालना आना होना चाहिए। वो कॉम्पिटेंट ओर है, वॉल रॉक है या कमज़ोर है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम रॉक मैकेनिक स्टडी से भी मालूम करते हैं। डेप्थ ऑफ ओर बॉडी क्या है, जितने भी फेवरेबल हमारे लिए पैरामीटर्स होंगे, जितने हमारे लिए जैसे ओर बॉडी कॉम्पिटेंट है, हाइड्रोजियोलॉजिकल कोई इश्यूज नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमारे को ज़्यादा ऊंचे और ज़्यादा बड़े स्टोप लेना आसान हो जाता है। अब लेवल्स, मेन लेवल किसे कहते हैं, जो लेवल में हॉलेज होता है जनरली, मतलब जहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल होता है और वो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, दीज लेवल्स आर कॉल्ड एज मेन लेवल्स। दूसरे जो होते हैं सब लेवल्स होते हैं, बाद में देखेंगे हम, क्योंकि सब लेवल एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर काम आता है। लेवल कुछ नहीं, एक नेटवर्क ऑफ ओपनिंग्स है, रोड्स है, जो भी बने हैं वो चाहे ओर में हो चाहे कंट्री रॉक में हो, और ये तमाम लैटरल डेवलपमेंट जितना भी ड्राइव है, क्रॉस कट्स है, वो सारा इस लेवल के अंदर शुमार होता है। मेन क्रॉस कट, जैसा बताया है कि भाई मेन क्रॉस कट जो है वो ये मेन क्रॉस कट्स की तस्वीर है, ये वाली, ये मेन क्रॉस कट्स है। और ऑक्सिलरी शाफ्ट, ये ऑक्सिलरी शाफ्ट मैंने सफ़ेद में दिखाया है, ये शाफ्ट सरफेस तक जनरली नहीं आते हैं, कई लेवल्स को आपस में जोड़ देते हैं, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट के ऊपर लोड कम करने के लिए, या कई बार मान लीजिए कि मेन शाफ्ट एक जगह पर है तो कुछ अंतर पर ऑक्सिलरी शाफ्ट दे देते हैं अलग लेवल्स को अप्रोच करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये सेकेंड लेवल से फोर्थ लेवल तक एक शाफ्ट बनाया गया है, दिस इज ऑक्सिलरी शाफ्ट। कई बार जो वेंटिलेशन शाफ्ट होते हैं उनको भी ऑक्सिलरी शाफ्ट कहा जा सकता है। और ये है मेन क्रॉस कट, जो कि कनेक्शन है फ्रॉम दी शाफ्ट टू दी ओवर बॉडी, ये सिंगल रोड बनती है। मेन ओवर पास, कई बार ये होता है कि कुछ हार्ड रॉक माइनिंग के अंदर कई लेवल्स से एक ओपनिंग गुजरती है, एक ओवर पास जिसे हम कहते हैं, और ये ओवर पास मेन ओवर पास कहलाता है, ताकि जैसे मान लो पहले फर्स्ट लेवल का मटेरियल जो है वो भी इस ओवर पास में यहाँ डाला, ये ओवर पास की तस्वीर है, ये ओवर पास है, ये भी ओवर पास है, तो
तो यहां से जो मटेरियल आ रहा है उसमें यहां डंप हो रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो दिस मेन ओवर पास इज कनेक्टिंग डिफरेंट लेवल्स, कई लेवल से मिला करके ओवर पास बन सकती है। और ये नीचे जो है इसके क्रशर लगा होता है, और फिर कुछ शूट अरेंजमेंट होती है ताकि स्किप के अंदर इसको पहुंचाया जा सके, लोड किया जा सके। यहाँ पे देखिए दो ओर बॉडी है यहाँ पर, और ये सारा इस मटेरियल ओर पास में आ रहा है ताकि एक ही जगह से पूरा हॉलेज हो जाए। स्किप में सबसे पहले हम नीचे मटेरियल लाएंगे और नीचे से फिर पूरा हॉल करेंगे, यानी टब से हॉल करने की बजाय स्किप से हॉल करेंगे। इट इज वेरी फास्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ओर। तो ओर बिन यहाँ नीचे होती है। क्या होता है कि ये जो ओर पास से मटेरियल आया फिर वो यहाँ क्रश होता है, क्रशर चेम्बर होता है, और क्रशर से बेल्ट कन्वेयर से या दूसरे कन्वेयर के माध्यम से ये पहुंचाता है एक बिन के अंदर, यानी वो भी एक प्रकार का रिसेप्टिकल है, और वहां से फिर शूट के माध्यम से इट इज फेड टू सम सिस्टम विच लोड्स द मटेरियल इन साइड द स्किप। तो ये भी एक वर्टिकल ओपनिंग है ओर बिन, और लोवेस्ट पॉइंट पे होती है, और यहाँ मटेरियल क्रश होकर के ये इसमें आता है ओर बिन में, और फिर इसके बाद में ये ट्रांसफर होता है स्किप को। ये देखिए ये एक तस्वीर दिखाई गई है, ये शाफ्ट है, ये देखिए मेन क्रॉस कट। यहाँ पर एक बहुत ही थिन पतली ओर बॉडी है, ऑलमोस्ट वर्टिकल है, ये देखिए थ्री डायमेंशन में दिखाई गई है। ये सारी लेवल्स है, ये मेन क्रॉस कट लिया, ये लेवल ले ली। कई बार तो सिर्फ एक ओवर ड्राइव ही रहती है, तो ये सिर्फ एक ओवर ड्राइव यहाँ पे जैसे दिखाई गई है। अगर थिन ओवर बॉडी है तो किसी दुनिया भर की ड्राइव्स लेने की जरूरत नहीं, एक ओवर ड्राइव से ही काम चल जाता। लेकिन ओवर ड्राइव अगर हम बनाते हैं तो फिर हमको सील पिलर छोड़ना पड़ता है फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर ओवर ड्राइव। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होता है। और ड्राइव कुछ नहीं है, जितनी भी ओपनिंग्स है वो जो भी अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द ओवर बॉडी है, यानी कि स्ट्राइक डायरेक्शन में है, वो ड्राइव कहलाती है। अब ये ड्राइव अलग अलग हो सकते हैं, हॉलेज ड्राइव हो सकता है जो हॉलेज के ही काम में आता है जो कि वेस्ट में होता है, ओवर ड्राइव हो सकता है जो नेसेसरीली ओवर में होता है, कई बार एक स्लोरेट एक्सट्रैक्शन ड्राइव होता है जिसमें मटेरियल पर्टिकुलरली एक स्टोप का आकर के आता है, और फिर उसको फिर हॉलेज ड्राइव में लाया जाता है। एक्सप्लोरेटरी ड्राइव भी हो सकती है जो जब वो एक्सप्लोरेशन करते हैं उस दौरान काम में आती है, और उसी को फिर कन्वर्ट कर देते हैं ओवर ड्राइव में। ट्रफ ड्राइव होती है, कुछ मेथड ऑफ वर्किंग जैसे कि जितनी भी मॉडर्न मेथड्स है, चाहे वो लार्ज डायर स्टोपिंग हो, चाहे वो सब लेवल स्टोपिंग हो, तो उसमें एक ट्रफ बनाया जाता है नीचे, उसके लिए ड्राइव, वो भी एक प्रकार की ओवर ड्राइव ही है क्योंकि वो ओवर में ही रहती है। क्रॉस कट तो सारे ओपनिंग्स हैं विच आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेन या डायरेक्शन ऑफ द स्ट्राइक ऑफ द ओवर बॉडी। और इसमें भी जितनी भी ट्रांसवर्स वर्किंग होती है उसके अंदर एक ट्रफ क्रॉस कट्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन क्रॉस कट्स होते हैं, ओर का भी क्रॉस कट हो सकता है, और एक्सप्लोरेटरी क्रॉस कट भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ये ट्रफ क्रॉस कट वगैरह ये सारे आपको वाइडर ओर बॉडी में काम आते हैं जिसमें ट्रांसवर्स वर्किंग होती है। सम कुछ नहीं, ये लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर एक उसमें एक पिट बनाया जाता है नीचे, और वहां से पानी जमा होता है वहां पर, और वहां से पानी पंप आउट करके सरफेस पे लाया जाता है। तो ये एक मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा परिचय दिया है, और इसके बाद में भी कई लेक्चर्स हैं इसके अंदर अंडरग्राउंड में, और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हियर आई कंप्लीट दिस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 77 एंड लेक्चर नंबर 78 फॉलोज। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑफर योर सजेशंस एज वेल। थैंक यू वेरी मच।